अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमा राय, एम आई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं ये बच्चे का स्वेटर का डिज़ाइन लाई हूँ, जो ये भी बनाने में बहुत आसान है और हर तीसरे सिलाई में ये बनता है। ये जो गांठ स्टिच है, हम तीन सिलाई बनाते हैं लेकिन ये छः सिलाई बनता है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। किस तरह से बनाएं, हम ये डिज़ाइन इसी पर बता रहे हैं। तो देखिए, हम ये डिज़ाइन अभी बनाए हैं, तो इसके बाद यहाँ बनेगा। और देखिए, ये पेड़ जैसा लगेगा आपको ये डिज़ाइन। तो देखिए, हम ये इस तरह से, हम ये सारा फंदा इस तरह से वाइट कलर से ये सारा हम सीधा बनाएंगे। देखिए, तो हम पूरी सिलाई कंप्लीट करके आते हैं। हम ये सीधे की तरफ से बुन लिए हैं। अब हम देखिए उल्टे की तरफ से ये डिज़ाइन इस तरह टाइप का लगेगा। तो उल्टे की तरफ से देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बुनेंगे। देखिए, उल्टे की तरफ से इस तरह से इस सारे सिलाई इसी तरह से हम कंप्लीट करके आते हैं। तो देखिए, ये तीसरी सिलाई है लेकिन दूसरा गांठ स्टिच है। ये तीसरी सिलाई है लेकिन दूसरा गांठ स्टिच है। तो देखिए, हम इसे इस तरह से एक बार बुनेंगे। तो ये दूसरा गांठ स्टिच जा रहा है। इस तरह से हम पूरी सिलाई इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से, तो फिर हम उल्टे की तरफ से आते हैं। देखिए, हम उल्टे की तरफ से हैं। तो देखिए, हम ये दूसरा गांठ स्टिच कंप्लीट है और ये चौथा सिलाई है और तीसरा गांठ स्टिच है। तो हम इसे इस तरह से बुनेंगे। देखिए, इस तरह से सिर्फ उल्टा बुनेंगे और इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करके आते हैं। तो देखिए, ये हम तीन गांठ स्टिच बना चुके हैं। अब हम कलर लगाएंगे और ये चौथा सिलाई है। उसके बाद ये हम पांचवा सिलाई बुनने जा रहे हैं। देखिए, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। ये देखिए, हम यहाँ पे सात फंदा इस बार बनाए हैं, लेकिन अगले बार जो डिज़ाइन आप बनाइएगा, तो ये देखिए, यहाँ से तीन फंदा बनाने के बाद आप डिज़ाइन यहाँ से शुरू कीजिएगा। इस बार हम सात फंदा बनाए हैं। तो ये देखिए, इसमें से हम इस तरह से फंदा लेंगे। थोड़ा ढीला लीजिएगा, एक इस तरह से लीजिए, फिर एक फंदा बनाइए, फिर इसी में से एक फंदा लीजिए, फिर एक फंदा बनाइए, फिर इसी में से एक फंदा और एक फंदा बनाइए। और देखिए, ये एक और ये दो, तीन और ये चार, ये चार फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। फिर इसमें से उसी तरह से बनाएंगे। ये देख लीजिए, फिर से ये साइड से, इसी सामने से, ताकि ये देखिए, ये डिज़ाइन के बीच में ये डिज़ाइन बनना चाहिए। देखिए, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे।
देखिए एक, और फिर इसी में से एक एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा ये बनाएंगे और एक फंदा बुनेंगे। देखिए फिर इसमें से एक ही जगह से तीन फंदा हमको निकालना है और तीनों फंदा से हम एक एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे। तो देखिए एक दो तीन और ये चार, फिर यहाँ से हम यहाँ से बनाएंगे एक और ये फंदा बुनेंगे, फिर एक और एक फंदा बुनेंगे, फिर एक और अब हम चार फंदा बनाएंगे एक दो तीन और ये चार। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करके उल्टे की तरफ से आते हैं, जो लास्ट और छठी सिलाई होगी तो हम उसे उस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है और ये लास्ट में मेरा छह फंदा बच गया है। तो देखिए हम लास्ट और छठी सिलाई किस तरह से बनाते हैं, इसे हम इस तरह से बुनेंगे छह फंदा, दो तीन चार पाँच और ये छः। और ये देखिए जो हम डिज़ाइन बनाए थे तो इसे हम दो करके एक कर देंगे, फिर दो का एक, फिर यहाँ पे दो का एक, इस तरह से हमें तीन फंदा दो का एक करना है, फिर एक दो तीन और फिर एक दो और ये तीन, फिर एक दो और ये तीन, फिर भाई दो का एक करना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन वाला फंदा है जो हम इसमें से निकाले थे, तो इस बार हम घटा रहे हैं। इस तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, फिर देखिए दो का एक, इस तरह से तीन फंदा दो का एक करना है और तीन फंदा सिर्फ सिंगल बनाना है एक एक करके। देखिए तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो देखिए ये पूरी कंप्लीट हो गया है, पूरा हम यहाँ तक आते हैं सीधे में। तो देखिए दोस्तों ये पूरा मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है छह सिलाई में। अब आपको फिर से वाइट कलर लगाएंगे और उसी तरह जिस तरह से हमने नीचे बनाया है उसी तरह से आप ऊपर बनाइएगा, लेकिन डिज़ाइन अब फिर से यहाँ बनेगा। ये देखिए इस फंदे में बनेगा तीन फंदा बनाने के बाद, और उसके बाद फिर यहाँ पे बनेगा डिज़ाइन। इसी तरह से देखिए ये इस तरह से डिज़ाइन गया है, सीधा डिज़ाइन नहीं गया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।